नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू होम प्लान फॉर यू। मैं इंजीनियर प्रकाश। आज जो हम प्लान डिस्कस करेंगे उसका साइज है 32 फीट इंटू 36 फीट। इसमें आपको मिल जाता है 3 BHK। इसका जो रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ पर एक प्रोच एरिया मिल जाता है जिसका साइज है आपका 12 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 9 इंच। यहाँ पर आराम से आप 3 ठो बाइक पार्क कर सकते हैं और कार भी पार्क कर सकते हैं दोस्तों। इस घर का जो मेन एंट्रेंस है ये आपका 4 फीट 6 इंच का होता है। इसका मेन एंट्रेंस के सामने आपको एक लिविंग हॉल मिल जाता है जिसका साइज है आपका 20 फीट बाय 12 फीट का। इसका स्टेयर ऐसे के यहाँ पर आप लैंडिंग कर देंगे तो स्टेयर के नीचे यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाएगा, तो इस पर आपको टीवी यूनिट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए एक हम 4 फीट का विंडोज़ भी दिए हैं। ये जो आपका ट्रेड है वो आपका 10 इंचज़ का है। इसका जो राइजर है आपका 7 इंचेस का है दोस्तों। हम लिविंग पर्पज़ के लिए यहाँ पर एक सोफ़ा डाले हैं दोस्तों, और इसी कॉर्नर पे आपको वेंटिलेशन के लिए आपको अप्रोच के एरिया तरफ से आपको एक विंडोज मिल जाते हैं जो कि आपका ये 4 फीट का है दोस्तों। इसमें जो आपको एक किचन मिल जाता है, किचन का साइज़ है आपका 10 फीट बाई 8 फीट का। किचन का डोर है आपका 3 फीट का। यहाँ पर जो स्लैब मिल जाता है ये आपका 2 फीट का विड्थ है। यहाँ पर जो इसी कॉर्नर पर हम दिए एक सिंक, और इसी ऊपर स्टाफ के ऊपर हो जाएगा आपका एक स्टोव, और इसी कॉर्नर पर हम दिए आपका एक फ्रीज दोस्तों। इसका वेंटिलेशन के लिए 4 फीट का विंडोज अप्रोच की तरफ हम यहाँ पर दिए हैं दोस्तों। किचन के सामने आपको एक डाइनिंग स्पेस मिल जाता है जिसका साइज है आपका 11 फीट बाय 10 फीट का। हम डाइनिंग स्पेस पर एक 6 सीटर का बेहतरीन सा एक डाइनिंग टेबल भी दिए हैं दोस्तों। इस जो प्लान में आपको पहला बेडरूम मिल जाता है उसका साइज है आपका 10 फीट बाय 10 फीट का। इसका जो डोर है आपका 3.5 फीट का। डोर के सामने यहाँ पर दिए वेड्रॉप, और यहाँ पर हो जाएगा बेड। और डोर का लेफ्ट साइड कॉर्नर पे हम दिए आपका एक वेड्रॉप दोस्तों। इसका वेंटिलेशन के लिए हम यहाँ पर एक 3 फीट का एक विंडोज भी दिए हैं दोस्तों। इसमें जो आपका दूसरा बेडरूम मिल जाता है, दूसरा बेडरूम का साइज 10 फीट बाय 11 फीट का है। इसका भी डोर आपका 3.5 फीट का हो जाता है। इसका जो विंडोज है आपका 4 फीट का है जो कि वेंटिलेशन के लिए दिए हैं दोस्तों। और इसी कॉर्नर पर हम दिए आपका एक वेड्रॉप, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक बेड। और इसी कॉर्नर पर हम दिए आपका एक मिरर यूनिट दोस्तों। इसमें आपको जो कॉमन टॉयलेट पहला वाला मिल जाता है उसका साइज है आपका 7 फीट 3 इंच बाय 4 फीट 4 इंच। यहाँ पर हम वेंटिलेटर जो दिए हैं 1.5 फीट का। यहाँ पर जो डोर है आपका ये 32 इंचेस का दोस्तों। इसका साइड में आपको दूसरा एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है, उसका भी सेम साइज का है, 4 फीट 4 इंच बाय 7 फीट 3 इंच का। इसका इंटर पे हम डोर का इसी कॉर्नर पे दिए आपका एक वॉश बेसिन। डोर के सामने यहाँ पर दिए आपका एक शावर, शावर का नीचे हो जाएगा टब, और आउटर वॉल पर दिए हैं आपका एक कमर दोस्तों। इसमें जो तीसरा बेडरूम मिल जाता है उसका साइज है आपका 10 फीट बाय 11 फीट का। इस पर भी हम यहाँ पर दिए एक बेड। डोर का राइट साइड कॉर्नर पर दिए वेड्रॉप, और डोर के सामने इसी कॉर्नर पर दिए एक मिरर यूनिट। यहाँ पर आपको 2 ठो विंडोज मिल जाता है, ये 4 फीट का और ये आपका 3 फीट का दोस्तों। जहाँ पर ओपन स्पेस होगा यहाँ पर जरूर एक विंडोज दीजिएगा दोस्तों। इसी प्लान का ऐसे विड्थ है आपका 32 फीट, और ऐसे इसका लेंथ हो जाता है आपका ऐसे 36 फीट दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि दूसरों को भी कुछ हेल्प हो जाए। कमेंट करके ये बताइए आपको प्लान कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। आप बिल्कुल फीडबैक नहीं देते, कैसे लगा आप जरूर बताने से मैं आगे आपको जो भी चाहिए उसका हिसाब से इम्प्रूव करूंगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों फीडबैक जरूर देना, और मुझे सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके आपका फैमिली, आपका फ्रेंड सबको शेयर करना दोस्तों। अभी हम देखेंगे इसका कॉलम प्लेसिंग। ये जो ग्रीन एरिया है आपका, ये हो जाता है आपका कलम, ये हो जाता है आपका कलम दोस्तों। यहाँ पर हो जाता है आपका कलम, ये है आपका कलम। ये जो ग्रीन एरिया है ये आपका कलम हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है आपका कलम दोस्तों, ये आपका कलम हो जाता है। इसका PDF के लिए आप गूगल में जाकर होम प्लान फॉर यू सर्च कर देने से आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसका डिटेल कॉस्ट भी हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। यह आपका आज का जो प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसका फुल व्यू है।